इसराइल से अब तक 918 भारतीय निकाले गए। ऑपरेशन अजय की कहानी, प्राइवेट एयरलाइंस का इस्तेमाल कैसे कर रही सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इसराइल हमास जंग के बीच इसराइल से 918 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 12 से 15 अक्टूबर के बीच 4 चार्टर्ड फ्लाइट्स नई दिल्ली पहुंची। आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। भारत सरकार ने 12 अक्टूबर को इसराइल और फिलिस्तीन से भारतीयों को वापस निकालने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया था। सबसे पहले ऑपरेशन अजय की जरूरी बातें। ऑपरेशन अजय रेस्क्यू मिशन नहीं बल्कि स्वदेश भेजने का ऑपरेशन है। इसका पहला मकसद इसराइल में उन भारतीयों की मदद करना है जो वतन वापस लौटना चाहते हैं। इसराइल में करीब 18,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स, आईटी प्रोफेशनल्स, केयर गिवर्स और बिजनेसमैन शामिल हैं। जरूरी नहीं कि सभी नागरिक भारत लौटना ही चाहते हों। भारतीयों को वापस लाने के लिए विशेष चार्टर्ड उड़ानें तैनात की गई हैं और कहा गया है कि इंडियन नेवी के जहाज स्टैंड बॉय पर रहेंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें भी लगाया जाएगा। लाइव मिंट के मुताबिक सरकार ने अलग अलग एयरलाइंस से उन विमानों की सूची मांगी है जिन्हें इस ऑपरेशन में लगाया जा सकता है। ऑपरेशन अजय के तहत पहली उड़ान 12 अक्टूबर से शुरू हुई और 15 अक्टूबर तक 4 फ्लाइट्स नई दिल्ली लैंड कर चुकी हैं, जिनमें 918 यात्री सवार थे। इनमें 3 फ्लाइट्स एयर इंडिया की और 1 फ्लाइट स्पाइस जेट की थी। ये लगातार जारी रहेंगी जब तक इसराइल से भारत आने के इच्छुक सभी नागरिक पहुंचा न दिए जाएं। ऑपरेशन अजय के तहत भारत लौटने के लिए इसराइल के तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्टर्ड भारतीयों के बैच से संपर्क करके फ्लाइट की डिटेल्स दी जाती है। विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बना रखा है और टोल फ्री नंबर 1800118797 भी जारी किया है। इसराइल के तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन चला रखी है। नंबर है +972352267484 और +972543278392। ऐसी सभी उड़ानों का खर्च केंद्र सरकार एयरलाइन कंपनियों को दे रही है। यात्रियों से कोई किराया नहीं लिया जा रहा है। एयर इंडिया के साथ केंद्र सरकार ने बाकी प्राइवेट ऑपरेटर्स भी विमान और क्रू मांगे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।